हमारे गांधीनगर के पास एक धौलेश्वर महादेव के बहुत प्राचीन शिवालय हैं, वहाँ के महंत श्री हमारे रामपुरी जी महाराज हैं, उसके पास बहुत सारा नॉलेज है। कभी कोई साधु को अनपढ़ नहीं समझता, बहुत लोग पढ़े लिखे होते हैं। शिवालय कैसे निर्माण करना चाहिए, शिवालय की कैसे रचना करनी चाहिए, उसके पास पूरा पूरा विज्ञान है। शिवालय इस तरीके से बनना चाहिए कि शिवालय के गर्भगृह में जाने मात्र से उसको ध्यान करने का प्रयास नहीं करना पड़ेगा, आप ही अब उसका ध्यान लगने लगता है। उसको कहते हैं शिवालय का गर्भगृह, उसका बड़ा विज्ञान है। और शिवालय का गर्भगृह ध्यान केंद्र है, सबसे बड़ा ध्यान केंद्र है। वह ध्यान करने के लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ता, मन को इधर उधर भटकता हुआ मन को एकाग्र करना, वहां कोई इतना प्रयास नहीं, शिवालय का जो गर्भगृह है। और हम तो दिल से कहते हैं शिवालय के गर्भगृह में जाना ही नहीं चाहिए। शिवालय के गर्भगृह में दो व्यक्ति जा सकता है, पग नख से मस्तक शिखा के शिखर तक जो पवित्र है, अनटच जिसने वस्त्र धारण किए, अथवा जिन्होंने पहले स्नान करके भीगे वस्त्र पानी वाले वस्त्र से ऐसे ही नदी में नहाया और निकला और सीधा गया शिवालय के गर्भगृह में। महर्षि व्यास कैसे जाते थे, ऐसे तो जाते थे 3 बजे उठते थे, गंगा में स्नान करते थे और गंगा का इतना ठंडा पानी, ठंडे पानी वाले वस्त्र, भीगे भीगे वस्त्र पहनकर वो मध्यमेश्वर महादेव की पूजा करते रहे भगवान महर्षि व्यास जी। और हम लोग तो कहां से आ रहे हैं, कहां जा रहे हैं, किसके साथ हाथ मिलाया, किसके कहां कहां, लेकिन पता नहीं। और हम लोग मूर्ति को भी स्पर्श करते हैं और मूर्ति को भी स्पर्श नहीं करना चाहिए। हमारे विद्वान ब्राह्मण पूजा में बैठाते इससे पहले हम सबको पवित्रकरण कराते हैं कि पहले पवित्रकरण करें। पवित्रकरण कराने के बाद मूर्ति को स्पर्श करने का आदेश देते कि अब मूर्ति को स्पर्श कर सकते हैं। नमस्कुर्यात् दूरतः, इसलिए देवी देवताओं के देवालय शिवालय में जाकर दूर से नमस्कार करें। हम लोग तो मूर्ति को स्पर्श करते हैं, लिखा है कि मूर्ति को स्पर्श नहीं करना, तो भी कर दें। तो भारत के लिए गौरव करते हैं कि इतने भगवान महादेव के शिवलिंग हैं। मूर्ति के रूप रंग पैरवेश गणवेश नैवेद्य की परंपरा अलग 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 है, लेकिन शिवलिंग पूरे भारत में समान है। उत्तर से ले दक्षिण तरफ, पूर्व से ले पश्चिम तक, एक समान। इसलिए आदि पूजा, मूल पूजा, पहली पूजा, श्रेष्ठ पूजा, सर्वोपरि पूजा, महादेव के निराकर लिंग स्वरूप की पूजा। इतिहासकारों ने भी जाहिर किया है कि कोई भी देवी देवताओं की मूर्ति बनाकर हम पूजा नहीं करते थे। इस समय पूरे भारत में, पूरे भारत महाभारत खंड में, पूरे भारत वर्ष में, जम्बू द्वीप, भारत छोटा सा नहीं था, अब तो टूटा और अलग अलग सब, भगवान महादेव के निराकर प्रतीक शिवलिंग की पूजा होती थी। बाद में मूर्तियों की कल्पना की, जिनके मन में जो कल्पना उठी वो मूर्तियों हमने निर्माण की, मूर्ति पूजा प्रारंभ हुई। और मूर्ति पूजा के बाद हमने अवतार की परंपरा शुरू की और अवतार को हमने उसकी प्रतिमा बनाई, अवतार की पूजा की, और एक अवतार के नाम से अलग अलग विचारधारा प्रकट हुई। जिनके तरफ से विचारधारा मिली वो आचार्य कहलाया, इस विचारक के नाम से संप्रदाय चला।